हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एनजी हॉस्टेलर में। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा एक इंपॉर्टेंट फेलोशिप जो कि जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के बारे में, और आपको बताऊँगा कि इसके लिए आप जो है क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या आप किसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आपको क्या क्या कितना स्टाइपेंड मिलेगा, और जो है इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल पर नए हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप फिर किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। अगर आप इस इंटरफेस पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट ऑलरेडी मेंशन है, jnmf.in। आपको इस वेबसाइट पे जाना है तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और आप जो है यहाँ पे से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कैटेगरी जो स्कॉलरशिप की है वो आपकी रहेगी टू मोड्स में। एक आपका रहेगा इंडियन नेशनल्स के लिए, और दूसरा जो है आपका नेशनल्स ऑफ अदर एशियन कंट्री, यानी कि एशिया की अगर कोई अदर कंट्री से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है, ठीक है। तो इसमें देखिए, उन्होंने लिखा है कि द स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल फॉर पीएचडी स्टडी इन इंडिया इन द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो फेलोशिप है, अगर आप पीएचडी में इनरोलमेंट है, आपका पीएचडी में इनरोल्ड है, तब आप इस फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन और सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं। तो आपको देखना है कि अगर आपका पीएचडी इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन में, सोशियोलॉजी, कंपेरेटिव स्टडीज इन रिलीजन एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिलोसफी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में है, तभी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका पीएचडी इनमें से किसी स्पेशलाइजेशन में है या सब्जेक्ट में है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्लास पीजी डिग्री होना चाहिए, और आपका 60% मार्क मिनिमम होना चाहिए इन बोथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि आपका आपका ग्रेजुएट लेवल में भी 60% मार्क्स होना चाहिए और पीजी में भी आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है ऑलरेडी भी रजिस्टर्ड और एडमिटेड फॉर पीएचडी डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे पीएचडी डिग्री में आपका एनरोलमेंट होना कंपलसरी है, आपका एडमिशन होना कंपलसरी है, तभी आप इस फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपका जो एज है वो 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आप एक फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप जो है फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फुल टाइम बोला है, यानी कि रेगुलर पीएचडी स्कॉलर, ना कि करस्पॉन्डेंस में, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप का, तो वो आपको रहेगा अप टू 2 ईयर्स, यानी कि आपको इनिशियली 2 ईयर्स तक जो है आपको फेलोशिप यहाँ पे मिलेगी। और अगर बात करें यहाँ पे स्टाइपेंड का, तो यहाँ पे आपको जो मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाएगा इंक्लूडिंग ट्यूशन फी वो रहेगी 18,000 पर मंथ। इसके अलावा आपको जो कंटिजेंसी एक्सपेंसेस आपको दिया जाएगा, ठीक है, आप यानी कि बुक्स परचेज कर सकते हैं, आप कोई स्टेशनरी का आइटम यूज़ कर सकते हैं, या आप जो है इंडिया में कहीं कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं, तो उसके लिए जो आपको स्टाइपेंड है वो आपको यहाँ पे कंटिजेंसी है वो आपको 15,000 पर एनम दिया जाएगा। तो आपको अप्लाई करना कैसे करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं हाउ टू अप्लाई पे, और यहाँ पे देखिए लास्ट डेट जो मेंशन कर रखी है 31 मई। तो आपको 31 मई से पहले जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म और आपके साथ जितने अदर इनक्लोजर्स हैं जो कि जरूरी हैं वो आपको सेंड कर देना है एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, 3 मूर्ति हाउस, न्यू दिल्ली 110011, ऑन बिफोर 31 मई। तो मैं आपको यहाँ पे इनक्लोजर्स बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। इसके अलावा आपका प्रपोज्ड वर्क का, जो आप जिस भी पीएचडी में जो भी आपका प्रपोज्ड वर्क है उसका आप सिनॉप्सिस आपके पास होना चाहिए, और आपका डॉक्टरल मॉनिटरिंग कमेटी का रिपोर्ट या सुपरवाइजर का रिपोर्ट या रिकमेंडेशन होना चाहिए, और आपका यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए 100 रुपीज़ का, और आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है इनकम्प्लीट एंड अनसाइंड फॉर्म्स आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड। इसके अलावा अगर आपने इनमें से कोई भी एक भी फॉर्म जो है वो आपने मिस कर दिया तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप और देख सकते हैं स्कॉलर लिस्ट, जो कि लास्ट टाइम में क्या किन किन बच्चों का जो है उन्हें अवार्ड हुआ है जवाहरलाल नेहरू स्कॉलरशिप फॉर डॉक्टर स्टडीज़। तो ये 2021 to 2022 में जो भी यहाँ पे स्कॉलर के नेम दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, चाहे वो इकोलॉजी इन्वायरमेंट में हो, उनका नाम दे रखा है और टाइटल भी दे रखा है और पीरियड भी दे सकता है। तो इस टाइप से आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी स्कॉलर जिनका सिलेक्शन हुआ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में या स्पेशलाइजेशन में, ठीक है। अब मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करें तो यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्कॉलरशिप फॉर डॉक्टर स्टडीज अवेलेबल। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड, तो वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन सीट है जो हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करके बता दिया है, तो ये सब आप देख सकते हैं, सेम चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, तो आप ये सब देख सकते हैं। तो आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन को फॉर्म को फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद जो मैंने आपके साथ इनक्लोजर बोले हैं वो सब जो है आपको अटैच करना है आपको
अटैच करने के बाद आपको सेंड कर देना है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये सब जो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ अच्छी दे रखी है कि यहाँ सिनॉप्सिस इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो यहाँ पे रिव्यू ऑफ लिटरेचर, करंट नॉलेज, इंटरनेशनल 500 वर्ड्स, की रेफरेंस मैक्सिमम 10, नेशनल 500 वर्ड, की रेफरेंस मैक्सिमम 10। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो है सिनॉप्सिस में क्या क्या चाहिए, कितने वर्ड का आपका जो है लिटरेचर होना चाहिए, वो सारा यहाँ पे जो है मेंशन कर रखा है। इसके अलावा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है करंट प्रोजेक्ट्स का, आउटलाइन ऑफ प्लान ऑफ वर्क, प्लान ऑफ वर्क डिटेल, तो ये सब पॉइंट्स इन्होंने मैंसन किए हैं। तो जब भी आप जो है सिनॉप्सिस लिखें तो आप इन सब पॉइंट्स को जो है ज़रूर इंक्लूड करें, ठीक है, ताकि आपका जो सिलेक्शन होने का चांस है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है, इसके साथ आपको जो इनक्लोजर है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। तो आपका इनक्लोजर रहेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिनॉप्सिस जो कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या इंक्लूड करना है अपने सिनॉप्सिस में, और डॉक्टर मॉनिटरिंग कमेटी रिपोर्ट और सुपरवाइजर रिपोर्ट और रिकमेंडेशन, पोस्टर ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट और रुपीज 100 और PhD रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तो ये सारे इंक्लोजर्स आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है वो सेंड कर देने हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, 3 मूर्ति हाउस, न्यू दिल्ली 110011, ऑन और बिफोर 31 मई, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए अवेलेबल लाइक एप्लीकेबल हैं और एलिजिबल हैं तो आप इस जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड की जो फेलोशिप है JNMF स्कॉलरशिप, इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।